अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, नाउ विल स्टार्ट आवर बायो लेक्चर एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी मीन्स बायोलॉजी का दौर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफाइंस। ओके, आवर फर्स्ट डिफाइन इज साइंस। बेसिकली व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजंस आर ड्रॉन। ओके, साइंस एक ऐसा मुतालिया है जिसमें मुशाहिदात किए जाते हैं, उन मुशाहिदात की बुनियाद पर तजर्बात किए जाते हैं और उनसे जो है वो मंतकी नतायज अक्स किए जाते हैं। ओके, उनसे जो है वो नतायज जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन जो है उनको ड्रॉ किया जाता है। आवर नेक्स्ट डिफाइन इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज बायोस एंड सेकेंड इज लॉगोस और लॉजी। बायो मीन्स लाइफ, लॉगोस मीन थाट और रीजनिंग। ओके, बायो मीन्स लाइफ, लॉगोस मीन थाट और रीजनिंग मीन्स इन विच वी स्टडी वट इज़ लाइफ एंड वाई इज़ लाइफ। मीन्स बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ज़िंदगी क्या है या ज़िंदगी क्यों है। एंड सम साइंटिस्ट थिंक दैट बायो इज़ नॉट कम्प्लीट स्टडी ऑफ लाइफ। बिकॉज बेसिकली बायो इज़ स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग थिंग्स। देन वाई वी स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर इन बायो? कुछ साइंसदान का कहना है कि बायो जो है वो लाइफ की कम्प्लीट स्टडी नहीं है। क्यों? क्योंकि बायो में जो बेसिकली है वो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग थिंग्स का जो है वो स्टडी है। तो हम इसमें नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर उनकी स्टडी क्यों करते हैं? एंड इट्स आंसर इज बिकॉज बायो इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिकॉज बायो इज़ बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आवर फर्स्ट डिफाइन इज़ जूलॉजी। वर्ड जू मीन्स एनिमल एंड लॉजी और लॉगोज मीन्स स्टडी। वर्ड लॉजी और लॉगो मीन्स स्टडी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। देयर स्ट्रक्चर्स लाइक देयर बॉडी स्ट्रक्चर। एंड आवर नेक्स्ट डिफाइन इज बॉटनी। व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है, लाइक देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे गेट देयर फूड और देयर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। ओके, बॉटनी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स। आवर नेक्स्ट थर्ड टर्म इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन लाइफ, लॉजी और लॉगोस मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया। सो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ लाइक स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आवर नेक्स्ट टर्म इज मॉर्फोलॉजी। वर्ड मॉर्फ मीन्स शेप और स्ट्रक्चर। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। मीन्स द ब्रांच इन विच वी स्टडी शेप और स्ट्रक्चर अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आवर नेक्स्ट टर्म इज एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी?
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वर्ड एना मीन्स अप, वर्ड एना मीन्स अप, एंड वर्ड टोमी इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड टोम, एंड टोमी इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड टोम मीन्स कटिंग. इट्स मीन by cutting or by dissecting by upper layers of living organism, we can study its internal structures. We can study its internal structure. So anatomy is basically study of internal structure of living organism, in which we dissect or by cutting their upper layers, we study about their structures. Okay, these are some define some branches of bio. So learn these terms orally. Thank you, 9th class.